खबर जहां पाटीदार समाज के प्रतिनिधियों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुलाकात की है। पाटीदार समाज को 15 सीटों पर टिकट देने की मांग की है। इसके अलावा किसान आंदोलन में अपने 3 पाटीदारों ने जो जान गंवाई है उसे लेकर भी बातचीत की है। टिकट मिलने पर पूरा पाटीदार समाज कांग्रेस का समर्थन करेगा। हम पाटीदार समाज से आए हैं। मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज 22 जिलों में मालवा और निमाड़ में निवासरत है। किसान आंदोलन में पाटीदार समाज की अग्रणी भूमिका रही। 4 किसान पाटीदार शहीद हुए। 887 पाटीदारों पर सरकार ने केस दर्ज करे हैं 307 और गंभीर धाराओं के। उस संबंध में हम आज कमलनाथ जी साहब से बात करेंगे। साथ ही हमारे समाज 60 विधानसभाओं में निवासरत है और 35 विधानसभाएं ऐसी है कि जहां पर हम पाटीदार समाज निर्णायक भूमिका में है। जहां पर हमारा दृष्टि होगी वो उम्मीदवार जीतेगा। हम 15 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे पाटीदार समाज के प्रतिनिधि जिन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की है और साथ ही ये भी कहा कि सीटों पर यदि पाटीदार कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो पूरा पाटीदार समाज कांग्रेस का समर्थन करेगा। 15 सीटों पर टिकट देने की मांग की है और यदि ये मांग पूरी हो जाती है तो पूरा पाटीदार समाज समर्थन करेगा कांग्रेस का। ये बात इन प्रतिनिधियों ने कही है। तो पाटीदार समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ से ये बातचीत की है और वाकई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। 15 सीटों की मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है। अनुराग, यदि आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है तो ये बैठक को लेकर हम इस पर चर्चा करें कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है। पाटीदार समाज ने जो मांग की है 15 सीटों को लेकर, यदि इस पर हामी भर देती है कांग्रेस तो जो गुजरात चुनाव में हमने देखा था, मध्य प्रदेश में भी कुछ वैसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल अमिता, मैं आपको बता दूं, अगर पाटीदार समाज की बैठक की बात करें तो कमलनाथ के साथ ये बैठक शुरू हुई है और बैठक को लेकर जो दूसरी बड़ी बात है वो यही है कि इस बैठक में कमलनाथ से मिलने के पहले ही पाटीदार समाज ने इस बात की मांग कर दी है कि लगभग 15 सीटें उनको चाहिए। उसका बड़ा कारण ये है कि पाटीदार आंदोलन ने गुजरात में एक बड़ा इम्पैक्ट डाला था। हार्दिक पटेल जो है वो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में भी ये पाटीदार समाज ने स्पष्ट कर दिया। तीसरा बड़ा कारण मंदसौर गोलीकांड है जिसका पूरा ब्यौरा देते हुए पाटीदार समाज नजर आ रहा है। जैसा कि हमने खुद महेंद्र सिंह पाटीदार की बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि उनके 4 परिजनों की मौत हुई, समाज के लोगों की मौत हुई, 4 युवा थे। इसके अलावा 800 पाटीदार लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा कायम किया। उनका ये भी दावा है कि 35 सीटों पर वो सीधे प्रभाव डालते हैं, इसलिए 15 सीटों पर उनका हक बनता है। लेकिन ये मुश्किल भी हो सकती है कमलनाथ के लिए कई मायनों में, क्योंकि अगर अलग अलग समाज के लोग लगातार मिल रहे हैं। इसके पहले यादव समाज की तरफ से एक बड़ी मांग आई थी, वो 30 से ज्यादा सीटों की मांग करते आ रहे हैं। तो ऐसी बड़े समाज अगर बड़ी मांगे करेंगे तो ऐसे में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी परेशानी कांग्रेस को हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट बटेंगे, तो पेच फंस सकता है इन तमाम परिस्थितियों में। देखना यह होगा कि बाहर निकलने के बाद पाटीदार समाज का रुख क्या होता है और कमलनाथ उनको किस बात के लिए आश्वासन देते हैं। अमिता, अनुराग, हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग वर्गों से कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने SC ST वर्ग से मुलाकात देखी थी कांग्रेस के बड़े लीडर की और उसके बाद हमने शिक्षक वर्ग का जो सम्मेलन था उसमें भी शामिल देखा था। यानी कह सकते हैं कि इस बार सत्ता हासिल करने के लिए हर वो कोशिश कांग्रेस कर रही है जो उसे पहले कर लेनी चाहिए थी। यदि पाटीदार समाज से 15 सीटें नहीं तो कुछ सीटों पर यदि बातचीत हो जाती है तो ये एक महत्वपूर्ण फेरबदल इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। अनुराग,
बिल्कुल अमिता, अगर इस बात की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस काफ़ी पेंच वाले होंगे, क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर समाज से मिलते हैं, संगठन से मिलते हैं, उसके बाद जातिगत समीकरणों की बात होती है तो दोनों ही पार्टियाँ इसको लेकर कोशिश कर रही हैं। पर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के साथ हमेशा दिक्कत इस बात को लेकर जाती है कि दो बड़ी चीज़ें होती है, समाज अलग मिलता है और समाज के जो नेता कांग्रेस पार्टी में है उनकी एक अलग लॉबी होती है, तो वो भी एक बड़ा पिच कांग्रेस के साथ में यहाँ होगा। चाहे वो अरुण यादव की बात करें या फिर हार्दिक पटेल की बात करें या फिर महेंद्र सिंह पाटीदार की बात करें जो पहले से ही कांग्रेस के नेता हैं, वो टिकट की बात करते हैं, तो अब इन तमाम चीज़ों को सुलझाना कांग्रेस के लिए और कमलनाथ के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये सुलझा पाते हैं तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ये भी तय है, क्योंकि जातिगत वोट बैंक की पॉलिटिक्स काफी सफल हुई है। अनुराग से संपर्क टूट गया है तो, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी अनुराग दे रहे थे कि यदि जातिगत समीकरणों को साधने में कांग्रेस कामयाब होती है